तो इस वीडियो में अपन कॉन्ग्रुएंसेस की बात करेंगे, जो कि नंबर थ्योरी का एक टॉपिक है। तो लेट एन बी ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, देन टू इंटीजर ए एंड बी आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन, जिसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल है वो इस तरीके से है, गॉस ने दिया था ये। तो ये कब लिखता है अपन, जब एन डिवाइड करता है द डिफरेंस, जो ए माइनस बी का जो डिफरेंस है उसको अगर एन डिवाइड करता है, ये डिवाइड का सिंबल है, तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि टू इंटीजर ए एंड बी कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन है। तो यहाँ पर उसका मतलब है ए माइनस बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन है। तो जैसे कि अपन एग्जाम्पल ले, एन इज इक्वल टू मैंने 7 लिया, तो ये स्टेटमेंट 3 इज कॉन्ग्रुएंट एंड यहाँ पे 24 मोड 7 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो अपन ने ए माइनस बी देखा दिस, और क्या इसको 7 डिवाइड करता है, तो हाँ डिवाइड करता है, 7 माइनस 21 को यहाँ पे डिवाइड करता है। तो मतलब ये दोनों जो इंटीजर है 3 एंड 24, ये कॉन्ग्रुएंट है मोडुलो 7, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही अगर अपन यहाँ पे मैं -31 लूँ, इधर 11 लूँ, तो ये ए हो गया बी हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -42 हो जाएगा, और क्या 7 उसको डिवाइड करता है। हाँ, तो ये जो दो इंटीजर है वो कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 7 हो गए। ये वैसे -15 -64 लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी ये हो गया 49, क्या 7 उसको डिवाइड करता है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 7 है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ए एंड बी इंटीजर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन कब होंगे, जब एन डिवाइड करता है ये जो डिफरेंस है किसको, इस चीज को। तो एग्जाम्पल जिसमें नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिया इधर 1 लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, क्या 3 इसको डिवाइड करेगा, नहीं, तो इस केस में दोनों कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 3 नहीं होंगे। यहाँ पे इसको मैंने ए लिया, इसको ये बी, तो 12 माइनस 2 10 आएगा, क्या 7 डिवाइड करेगा, इस केस में नहीं करेगा, तो इस केस में भी कॉन्ग्रुएंट वो दोनों कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 7 नहीं होंगे। यहाँ पे आप कुछ जनरल चीजें देखते हैं, तो एनी टू इंटीजर आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 1 तो होते ही है, क्योंकि 1 तो किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर देगा। यहाँ पे ए है एंड ये बी, दो इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस कुछ इंटीजर आएगा, तो क्या 1 उसको डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, तो एनी टू इंटीजर आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 1 तो होते ही है। सेकेंड, टू इंटीजर आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 2 कब होंगे, जब वो बोथ या तो इवन हो या बोथ ऑड हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख दू टू एंड 4 आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 2, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो आएगा डिविजिबल है। तो जब बोथ इवन होंगे और ऑड होंगे, तो जो उनका जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल का ऑफ 2 होगा, और 2 उसको डिवाइड कर देगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे जनरली लिखे तो एन ग्रेटर देन 1 है, और डिविजन एल्गोरिथम से तुम्हें पता है कि तुम लेट एन ग्रेटर देन 1 ले लो, देन डिविजन एल्गोरिथम से तुम्हें पता है कि कुछ इंटीजर क्यू एंड आर एग्जिस्ट करता है, जब अपन ए को डिवाइड करेंगे किससे, एन से, तो अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ए को अपन एन से डिवाइड करेंगे तो क्यू एंड आर सम इंटीजर एग्जिस्ट करता है, जब क्यू को क्वोशेंट बोलता है, आर को रिमाइंडर बोलता है, तो इस तरीके से है। और रिमाइंडर यहाँ पर 0 टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड लेस स्ट्रिक्टली लेस देन एन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ए माइनस आर इज सम क्यू टाइम्स एन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, तो और एन से डिवाइड करने पर कुछ इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, जहाँ क्यू एक इंटीजर तुम्हें पता है, तो कुछ इंटीग्रल मल्टीपल है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए माइनस आर
इज क्यू टाइम्स एन है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए इज ए एंड आर आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस को एन डिवाइड इंटीग्रली कर रहा है। और यहाँ पे तुम्हें पता है आर यहाँ पे रिमाइंडर है इस चीज का, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन एन है। ये सेम ही चीज है कि जो अपन लिखते हैं कि ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन, तो उन दोनों का डिफरेंस एन से डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो ए माइनस बी है वो कुछ मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू के टाइम्स एन प्लस बी, यहाँ पे बी क्या काम कर रहा है, रिमाइंडर का काम कर रहा है अगर तुम देखोगे तो। और ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो यानी जब ए को जब एन से डिवाइड करता है तो ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर है। तो जो यहाँ पे अपन इस तरीके से लिख रहे हैं तो उसमें जो बी चीज है वो रिमाइंडर का काम करती है अगर तुम देखो तो। जब अपन लिखे यहाँ पे एन की जगह अगर अपन टू का केस ले, जब टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है अपने पास, जीरो एंड वन हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। जब अपन थ्री से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जब जीरो वन एंड टू हो सकती है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भी बता था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एन। तो यानी आर की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, जीरो वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस है उसको अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर भी बोलता है, क्योंकि ये जो आर यहाँ पे तुम देख रहे हो ये रिमाइंडर का काम करता है इस चीज के अंदर, ये जनरल चीज इस तरीके से है ना। तो इसमें जो बी है वो रिमाइंडर का काम कर रहा है यहाँ पर। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।